बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज मोहम्मद फरहान खान अब्बासी एंड यू वाचिंग एग्जैक्टिव कोचिंग सेंटर्स यूट्यूब चैनल। आपको खुश आमदीद कहते हैं जी एपिसोड नंबर 3 में। इट इज अबाउट पाकिस्तान सीरीज। जैसा कि हमने पिछली दो एपिसोड्स में थोड़ा सा खुलासा किया है पाकिस्तान के कुछ कॉन्टेम्परेरी हालात का, और नंबर 2 जो नए डायनामिक्स इस रीजन में डे टू डे अफेयर्स चल रहे हैं उसके ऊपर हमने कुछ डिस्कशन की, जिसमें से पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, डीप स्टेट के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, और आजकल जितना भी मीडिया में प्रोपेगेंडा और ऐसे रिलेटेड बात की। आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट के ऊपर बात करेंगे, दैट इज बैका, जो 27 अक्टूबर 2020 को कंक्लूड किया गया। इसको 2+2 एग्रीमेंट भी कहते हैं बेसिकली। तो अगर आप इसको डिवाइड करें तो व्हाट इज मेंट बाय बैका, तो आपको पता चलता है कि बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट है जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इंडिया के दरमियान हुआ है। 2+2 इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये मिनिस्ट्रियल इंटरेक्शन था, माइक पॉम्पियो, मार्क एस्पर, उसके अलावा इंडिया की तरफ से राजनाथ सिंह थे और डॉक्टर जयशंकर थे। इन्होंने ये कंक्लूड किया, दो ममालिक ने एक ऐसा एग्रीमेंट कंक्लूड किया जिसको इस रीजन में बड़ी सस्पिशंस की निगाह से देखा जाता है। आज का जो हमारा बेसिकली एपिसोड है, क्योंकि पाकिस्तान सीरीज चल रही है तो इसमें विद रेफरेंस टू पाकिस्तान हम बहुत सी चीजें आपके सामने ला करके रखेंगे। पहली चीज के बैका एग्रीमेंट इस सेंसिटिव टाइम पीरियड में, जबकि अभी 6 या 7 नवंबर को कंफर्म होना है कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कौन होगा, तो अगली बारी ट्रंप की आएगी या नहीं आएगी, तो उससे पहले ही ये एग्रीमेंट करने की क्या जल्दी थी। दूसरी रीजन के बैका का पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सोशल डायनामिक्स और पॉलिटिकल डायनामिक्स पे कोई इम्प्लीकेशंस आने वाली हैं, इकोनॉमिक्स पे कोई इम्प्लीकेशंस आने वाली है, बैका से इस रीजन की जियोपॉलिटिक्स में क्या होने वाला है, क्या ये जो अजीत डोवल ने 1-1.5 हफ्ता पहले न्यू इंडिया डॉक्ट्राइन दी है उसका भी इसके साथ कोई कंसर्न है, क्योंकि बैका से 2 दिन पहले 3 दिन पहले आप जब न्यू इंडिया डॉक्ट्राइन देते हैं तो न्यू इंडिया डॉक्ट्राइन में तो आप ये कहते हैं कि हम अब दुश्मन को उसकी सॉइल पे जाकर के निपटेंगे, यानी फॉरेन सॉइल पे जाके अब हम एक्सपेडिशन किया करेंगे और अपनी जंग जीता करेंगे, जैसा कि अमेरिका कर रहा है, तो इंडिया तो ये भी क्लेम कर रहा है, तो इंडिया का आर्क राइवल कौन है पहले इसको भी देखेंगे, और क्या बैका सिर्फ चाइना सेंट्रिक है या पाकिस्तान सेंट्रिक भी है, क्योंकि माइक पॉम्पियो और मार्क एस्पर ने इस एग्रीमेंट के बाद में कुछ पब्लिक जिसको कहते हैं ना कन्वर्सेशन भी की, उन्होंने अखबारी नुमाइंदों के साथ इंटरेक्शन भी किया, तो उनकी भी कुछ स्टेटमेंट्स आपसे जेरे बहस लाएंगे, और फिर देखेंगे कि जो पाकिस्तान में आजकल पीडीएम नाम का एक इतिहाद बना हुआ है, और इस इतिहाद में कुछ जमातें जो हैं वो जो अवाम के मसाइल के नैरेटिव पे बात शुरू की थी अब एंटी स्टेट नैरेटिव के ऊपर आ रहे हैं, और इदारों के बीच में जो है कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो मिलिट्री का इंस्टीट्यूशन है। और एक और चीज भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या जो फैटफ ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को February 2021 तक ग्रे लिस्ट में रखा है, इसका ताल्लुक भी किसी ऐसी चीज से तो नहीं कि जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी और जिसको यहाँ पर ही जिसको आप कहते हैं परवान चढ़ाया गया था पिछली गवर्नमेंट में, उससे इसका क्या ताल्लुक है, यानी फैटफ और डॉनलीक का आपस में क्या ताल्लुक है, बैका और न्यू इंडिया डॉक्ट्राइन का आपस में क्या ताल्लुक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, जिस तरह हमने अपनी प्रीवियस जो हमारा एपिसोड नंबर 2 था उसमें हमने न्यू इंडिया डॉक्ट्राइन को डिटेल में डिस्कस भी किया और डीप स्टेट के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया। न्यू इंडिया डॉक्ट्राइन बेसिकली एक इंटरव्यू था अजीत डोवल का, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में, उन्होंने कहा जी अब हम अपने जो दुश्मन है उसको फॉरेन सॉइल पे जाके, यानी उसी की सॉइल पे आउटसाइड आर कंट्री फॉरेन किसी और जगह पे जाके उसको हम डील करेंगे और उसको वहीं पर हम टफ टाइम देंगे, यानी किसी भी मुल्क जिससे हमारा अब अच्छे ताल्लुकात नहीं आया, जिससे हम अपने आप को इनसिक्योर फील करेंगे, अब उस मुल्क के अंदर हालात खराब करेंगे, सोशल सेक्टर इशूज क्रिएट करेंगे, एथनिक वायलेंस क्रिएट करेंगे, सेक्टेरियन वायलेंस क्रिएट करेंगे, होपलेसनेस अवाम में पैदा करेंगे, और जो कॉम्प्रोमाइजिंग किस्म के इन्वायरमेंट और मीडिया की जिस तरह आपको पता ना मीडियाटाइजेशन होती है सिक्योरिटी से रिलेटेड, और एक नया प्रोपेगेंडा जिस तरह के पिछले 1.5-2 हफ्ते से इंडियन न्यूज चैनल पे चल भी रहा है,
तो ये तो उसने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात बता दी। पाकिस्तान में आपने देखा कि उन्हीं दिनों में पीडीएम के जो जलसे हो रहे हैं उन स्टेट से बलूचिस्तान आजाद रियासत का नाम भी आ रहा है, उन स्टेट से ऐसी तकरीरें भी नशर की जा रही है जो कि सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सिटिंग DGISI और सीनियर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्टली क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ बात भी कर रहे हैं। और आपने पीडीएम के कुछ ऐसे लीडरान को भी देखा जो ये कहते हैं कि हमारी जंग गवर्नमेंट यानी के पीटीए की गवर्नमेंट या इमरान खान से नहीं, ये बड़ों की जंग है। तो अब आप गौर से देखिएगा ये तमाम की तमाम चीजें एक वक्त में कैसे चार पांच काम हो रहे हैं, ये एक्टिविटीज हो रही हैं, इसका लिंक पाकिस्तान की सिक्योरिटी से कैसे। अब आ जाते हैं इंडिया डॉक्ट्राइन समझने के बाद, बैका है क्या? बैका बेसिकली बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन यानी आपस में कॉपरेट करना, एक दूसरे की मदद करना का एक एग्रीमेंट है। अब ये मदद क्या है, तो इसके भी दो हिस्से हैं। बैका को दो अलग अलग सेगमेंट में समझते हैं। पहला क्या है, इंडिया क्योंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का रीजन साउथ एशिया में, तो इंडिया क्या कर रहा है कि अब सर्वेलेंस तक एक्सेस जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 3-4 महीने में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लद्दाख का जो एरिया है जहां पर चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया के साथ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक बनी हुई है वहां पर, चाइनीज फोर्सेस ने बकौल इंडिया कुछ इंडियन टेरिटरी का इलाका अपने कब्जे में किया और इंडियन सोल्जर्स जो है उनकी मैसेकरिंग भी की। अब इंडिया ये चाह रहा है कि इंडिया को रियल टाइम सर्वेलेंस मिले यानी रियल टाइम डायरेक्ट इमेजेस मिले चाइना की विद इन द स्टेट ऑफ चाइना यानी चाइना के अंदर, इवन शिंघाई में भी क्या हो रहा है उसकी भी रियल टाइम सैटेलाइट इमेज मिले, रियल टाइम यानी कि 1 घंटे पुरानी, 10 मिनट पुरानी, 1 हफ्ता पुरानी, 1 दिन पुरानी लाइव टेलीकास्ट इनके पास हो, ताकि जो मिलिट्री के यूनिट्स की मोबिलाइजेशन होती है, मूवमेंट होती है, उस पर नजर रखा जाए। दूसरा, इंस्टॉलेशन देखी जाए कि कौन से वॉर इक्विपमेंट जो होते हैं, आर्मामेंट्स जो होते हैं, वो कहाँ कहाँ इंडिया के अगेंस्ट चाइना ने इंस्टॉल किए। और तीसरी चीज जो सर्वेलेंस मिले वो इंडियन नेवी की सर्वेलेंस मिले यानी मैरीटाइम सिक्योरिटी के नाम पर साउथ चाइना सी में भी, बे ऑफ बंगाल में भी अमेरिका असिस्ट करेगा इंडिया को चाइना के ऊपर नजर रखने के लिए। और आपने देखा होगा कि पिछले 1.25 महीने में इंडिया ने 11 मिसाइल अटैक अपने एक्सप्लोजन किए हैं, 11 मिसाइल टेस्ट किए हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो 11 मिसाइल टेस्ट है इसकी एक्यूरेसी किस हद तक बढ़ जाएगी जब उसको रियल टाइम जियोपॉलिटिकल मैप के अकॉर्डिंगली टारगेट का भी बताया जाएगा। मैं फर्दर इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल में आपसे बात करूंगा। दूसरा, जब माइक पोम्पियो ने पब्लिक स्टेटमेंट दी, एड्रेस किया जर्नलिस्ट से, तो माइक पोम्पियो ने कहा कि वी आर शोल्डर टू शोल्डर विद इंडिया, हम कंधे के साथ कंधा जोड़ के खड़े हैं, और इंडिया के अगेंस्ट कोई भी अगर थ्रेट फील होता है तो उसमें इंडिया को सपोर्ट भी करने को तैयार है, और चाइना के अलावा अदर देन चाइना द एनिमी ऑफ इंडिया जो भी हैं उनके अगेंस्ट भी हम खड़े। अब आप अंदाजा लगा ले इस रीजन में चाइना के अलावा इंडिया की एनिमी कौन है, जाहिर है नेपाल तो हो नहीं सकता, तो वो पाकिस्तान ही है। तो ये बैका जो है ये सिर्फ और सिर्फ रियल टाइम आपको सर्वेलेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा, रियल टाइम आपको लोकेशन नहीं बता रहा, बल्कि सी पैक के ऊपर भी नजर रखी जा रही है विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, पाकिस्तान की नेवल मूवमेंट पे भी रखी जा रही है, पाकिस्तान की जो एरियल एक्टिविटी है जो एयरफोर्स कर रही है उस पर भी नजर रखी जा रही है, पाकिस्तान की लैंड फोर्सेस यानी आपकी मिलिट्री के ऊपर भी नजर रखी जा रही है, और आपकी मैरिटाइम सिक्योरिटी पे भी नजर रखी जा रही है। अब ये सिर्फ नजर नहीं रखी जा रही कि इंडिया के अगेंस्ट कोई हमला ना कर दे, बल्कि आपकी जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है उनकी जासूसी की जाएगी। एक और चीज मैं आपको यहां बताता चलूं कि अमेरिकन जब यूज करते हैं प्रीडेटर अटैक यानी जिसको हम बोलते हैं वो ड्रोन के थ्रू अटैक करते हैं, तो अमेरिका के पास एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है जिसको जियो स्पेशल डाटा सिस्टम कहते हैं, जिसकी वजह से गली, घर, मोहल्ला एक्यूरेट टारगेट हो जाता है। एक्यूरेसी इतनी ज्यादा इसकी होती है कि आप जियो स्पेशल डाटा सर्विसेज के थ्रू, GIS सर्विसेज के थ्रू एक्यूरेट अपने हदफ को पहुंच जाते हैं। बैका के इस एग्रीमेंट के बाद अब इंडिया अमेरिका की वो फैसिलिटी भी इस्तेमाल कर सकता है अपनी एयरफोर्स और नेवी को स्ट्रेंथन करने के लिए,
और किसी और मुल्क की एयरफोर्स को नेवी को डैमेज करने के लिए। ये तो है बैका का एक आस्पेक्ट, सिंगल फेज। इसका एक अदर फेज भी है। नाउ व्हाट इज द अदर फेज? द अदर फेज इज दैट के इंडिया को अमेरिका इंटीग्रेटेड डाटा भी शेयर करेगा, जो बहुत ज्यादा खतरे की बात है चाइना के लिए, नहीं पाकिस्तान के लिए। क्योंकि जो चाइना है, चाइना की जो आर्मी है, पीपल्स रिपब्लिक आर्मी ऑफ चाइना, उनका डेटाबेस भी अपना है, उनका क्लाउड सिस्टम भी अपना है, वो जितना भी टेलीकम्युनिकेशन का नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं उसका क्लाउड उनका अपना है, वो एंड्रॉइड को इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब जब इंटीग्रेटेड डाटा की बात आती है तो आपका सारा व्हाट्सएप का डाटा, आपका फेसबुक का डाटा, आपका ट्विटर का डाटा, आपकी पोजीशन, आप उबर का बुक कर रहे हैं, उबर की लोकेशंस, आपकी मूवमेंट, यानी एक आम से सिपाही से लेके एक सिपाही से लेके एक जर्नल तक की जेब में अगर कोई एंड्रॉइड सेट पड़ा हुआ है, वो व्हाट्सएप यूज कर रहा है, वो कोई आपका पॉलिटिशियन यूज कर रहा है, कोई आपका ब्यूरोक्रेट यूज कर रहा है, कोई नॉर्मल ऐसा पर्सन को जर्नलिस्ट यूज कर रहा है, तो उसकी लोकेशन भी, उसकी वॉइस भी, उसकी एक एक चीज इंटीग्रेटेड डाटा के अकॉर्डिंगली अब अमेरिका वो भी इंडिया को देगा। अब चलते हैं 2019 फरवरी में। आपने देखा होगा 2019 फरवरी को इंडिया ने हमारे साथ कुछ जंगोइज्म करने की कोशिश की, तो 27 फरवरी की सुबह दिन की रोशनी में हमारे तैयारे भी गए वहां पर, टारगेट फिक्स किए, जो कि DGISPR उस वक्त के इस बात के ऊपर सब बता चुके हैं कि हमने टारगेट फिक्स किए, लेकिन उन टारगेट्स को हिट नहीं किया। अदर देन टारगेट्स हमने एक अटैक करने की कोशिश की पहाड़ियों में की, ताकि उनको समझ आ जाए, उनके जेट जो थे मिग तैयारे MiG-21 पीछे आए, उनके साथ डॉग फायर हुई JS-17 थंडर की, दो तैयारे हमने गिरा दिए, उनके पायलट पकड़ लिए, एक हेलीकॉप्टर भी उनका गिर गया। यहाँ पे इंडिया ने कुछ लैक किया था, क्योंकि इंडिया के पास इंटीग्रेटेड डाटा नहीं था, जियो स्पेशल डाटा की एक्सेस नहीं थी इंडिया के पास। अब आप अंदाजा लगाएं कि अब की बार इंडिया के पास जियो स्पेशल डाटा की एक्सेस भी है। और एक और चीज जो बैका से इंडिया को फायदा होने वाला है, इसराइल की कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट्स हैं इंडिया के अंदर, उन इंस्टॉलमेंट की रखवाली भी की जाएगी। किस तरह से कि इर्द गिर्द के एरिया में कोई भी मूवमेंट होती है, इवन के कोई मिसाइल मूवमेंट भी होती है, तो उसको भी पहले से ही एक्सेस कर लिया जाएगा उस मिसाइल के चलने से। अब आप अगर अंदाजा लगाएं तो इंडिया और अमेरिका सिर्फ चाइना से जंग नहीं कर रहे, सिर्फ चाइना को साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल या आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज या सी पैक को नहीं, बल्कि बड़े एग्रेसिव मोड में पाकिस्तान पे हमला करने की पूरी तैयारी के साथ है। और इस वक्त उनको इस तैयारी में 100% जो असिस्टेंस दे रहा है वो अमेरिका दे रहा है। अभी तो बैका बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट एक लीगल किस्म का ड्राफ्ट है, जिसमें बहुत सी ऐसी बातें नहीं लिखी हुई जिन बातों पर भी अमल करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैका देखें और मार्क एस्पर की स्टेटमेंट देखें, माइक पोम्पियो की स्टेटमेंट देखें, तो स्टेटमेंट में उन्होंने जो आर्सेनल्स हैं, जो आर्ममेंट हैं, जो इंडिया की सपोर्ट करना है इसकी डिफेंस को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, उसका भी जिक्र किया हुआ। अब आ जाते हैं न्यू इंडिया डॉक्ट्रिन, हमने समझ लिया एंटी पाकिस्तान, बैका आपने समझ लिया सी पैक के अगेंस्ट। अब आ जाते हैं न्यू इंडिया डॉक्ट्रिन का पार्ट टू, यानी अब ये तो बातों की हद तक तो नहीं है, प्रैक्टिकल हो रहा है। तो अभी आप PDM के नाम पे देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाया जा रहा है। अभी पिछले दिनों शेर जवान एक प्रोग्राम लॉन्च किया हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी ने, और अगर आप उस प्रोग्राम के बेसिक जो ड्राफ्ट किया गया है उसमें कुछ चीजें पढ़ लें जो उनके मेंबरान को दस्तखत करके देनी पड़ेगी, वो कुछ पॉइंट्स पढ़ लें, तो आप परेशान हो जाएंगे। कहीं से भी ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं लगती, बल्कि ये कोई एंटी स्टेट नैरेटिव बिल्ट होने लगा है। आने वाले वक्तों में नौजवानों को यूज किया जाएगा, इदारों को यूज किया जाएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, होपलेसनेस क्रिएट की जाएगी और विद इन द सिस्टम पाकिस्तान को और कमजोर किया जाएगा। नाम क्या लिया जाएगा? गवर्नमेंट का और चंद जर्नैलों का, लेकिन टारगेट किसको किया जाएगा? पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को। याद रखिएगा, हमने आपसे पहले भी एक छोटी सी गुजारिश की थी कि हम जिस दौर में रह रहे हैं, इस दौर में हाइब्रिड टाइप की वॉर्स होती है। हाइब्रिड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू थिंग्स, दो से ज्यादा तरीकों से, यानी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी हिट करना है आपको, डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से यानी सर्वेलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वीक करना है, इकोनॉमी में भी वीक करना है, आपकी आवाम में होपलेसनेस भी क्रिएट करनी है,
और आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी लेके आनी है। एक और चीज जो मैं आपको पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में बताता चलूं, जिस तरह कि मैंने आपको पिछली अपनी एपिसोड में बताया था, एपिसोड नंबर 2 में, कि $3 billion जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंफ्यूज किए गए हैं, इंजेक्ट किए गए हैं बाय डिफरेंट मींस, और एनजीओस को और इस तरह लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जिससे पाकिस्तान में होपलेसनेस क्रिएट की जाएगी और बहुत से और काम भी किए जाएंगे जिससे रियासत को अंदर से कमजोर किया जाए। एक और कॉन्सेप्ट है साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन। साइबर सिक्योरिटी, याद रखिएगा, अमेरिका बेका के अकॉर्डिंगली एक ऐसी साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन इंडिया के साथ करने जा रहा है जिसमें आपके जो ऑनलाइन अकाउंट्स होते हैं, आपकी वेबसाइट्स होती हैं, आपकी एक्टिविटीज होती हैं, उन सब के ऊपर नजर रखी जाएगी। जिस तरह के मैंने पहले कहा, इंटीग्रेटेड डाटा शेयरिंग में ये होता है कि आपके जेब में पड़ा हुआ, पॉकेट में पड़ा हुआ एंड्रॉइड सेट में खिंची हुई एक तस्वीर भी, किसी को व्हाट्सएप किया हुआ एक मैसेज भी, आपकी लोकेशन भी, आपकी इवन के जब आप ऑनलाइन कोई एक्सपेंडिचर करते हैं, कोई चीज किसी वेबसाइट से खरीदते हैं, कोई परचेजिंग करते हैं, उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन हो रहा होता है। और ये सारे का सारा डाटा 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम का अब शेयर हो रहा है आपके आर्क राइवल इंडिया के साथ, वो आर्क राइवल जो बाय ऑल मींस चाहता है कि इस मुल्क के हिस्से बखरे किए जाएं, और वो अब बबागे दोहल जो है सरे आम आकर के न्यू इंडिया डॉक्ट्राइन के नाम पर ये कह रहा है कि अब हम ये सब कुछ करेंगे। मेरा यहाँ पर अपने नौजवानों से, पाकिस्तान की यूथ से, पढ़े लिखे लोगों से, और वो लोग जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उनसे गुजारिश है कि पाकिस्तान बनते हुए हमारे आबाओ अजदाद ने जो कुर्बानियां दी हैं, अब उससे भी ज्यादा सेंसिटिव दौर से हम गुजर रहे हैं, क्योंकि दुश्मन बाहर से भी, आपके दाएं बाएं से भी और आपके अंदर से भी एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली हमले कर रहा है और डेली बेस पे हमले पे हमला कर रहा है। और ये तमाम हमले सिर्फ एक तरफ लेके जा रहे हैं कि आपको वीक किया जाए, कॉम्प्रोमाइज किया जाए। मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में फैटफ का डॉन लीक से जो लिंक था उसके ऊपर बात की थी। अगर आपने फैटफ के रूल्स पढ़े हो तो 24 से 26 किस्म की ऑब्जेक्शंस या पॉइंट्स पाकिस्तान के अगेंस्ट लगाए गए थे जब पाकिस्तान को ग्रे एरिया लिस्ट में रखा गया था, जिसमें से 20 के करीब पॉइंट्स पाकिस्तान ने फुलफिल कर लिए। अब बाकी 5-4 पॉइंट्स जो रह गए हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है जिसको डॉन लीक्स में सेरिल अल्मेडा ने लीक किया था और बताया गया था कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मिलिट्री के एक सीनियर जनरल को यह कहा कि तुम लोग ये क्या हरकतें कर रहे हो, टेररिस्ट को क्यों प्रमोट कर रहे हो और इनको सपोर्ट क्यों कर रहे हो, पूरी दुनिया में मेरी सुक्की होती है, ये काम करना छोड़ो। अब आपके इदारों के ऊपर फैटफ ये कहता है कि आप इसको रुकवाएं क्योंकि आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, लश्कर ए तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, सिपाह सहाबा हो, और भी जमातें हो, इन तमाम के अदालतों में केसेस चल रहे हैं। अब किसी और तरफ से आके आपको क्रिटिसाइज किया जाने लगा है, किसी और तरीकों से आपके इदारों का नाम लिया गया है, जिस तरह मेमोगेट स्कैंडल हुसैन हकानी ने बात की, इसी तरह बात डीप स्टेट के नाम से जो किताब लिखी लेफ्टिनेंट जनरल कमल दावड़ ने, उसने भी यही बात की, सिरिल अल्मेडा भी यही बात करता है, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से स्टेट विद इन अ स्टेट में भी यही बात की जाती है, और आपका प्राइवेट मीडिया भी इसी प्रोपोगंडे को प्रमोट कर रहा है। तो तमाम की तमाम अगर आप तीरों का रुख देख लें तो वो तमाम के तमाम तीर पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस, पाकिस्तान की सालमियत के अगेंस्ट उठ चुके हैं, और एक ही इदारा है जो इस वक्त तनहा खड़ा है पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाने के लिए। एक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशन आर्मी का है हमारे पास, जिसको इस वक्त पूरे तरीके से क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है और डैमेज भी किया जा रहा है। विद इन द सिस्टम भी कोशिश की जा रही है और आउटसाइड से भी कोशिश की जा रही है। तो हमारी आज की एपिसोड में हमने इन तमाम चीजों का एक छोटा सा खुलासा पेश किया। आगे आने वाली एपिसोड में मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्या शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की वायोलेशन तो इंडिया ने नहीं की, क्या आने वाले वक्तों में चाइना और रशिया का जो एग्रीमेंट हुआ है, रशिया ने 121 कोबरा टाइप हेलीकॉप्टर चाइना को दिए हैं, वो किस लिए दिए हैं, चाइना, रशिया, पाकिस्तान और टर्की कौन से नए ब्लॉक बनाने जा रहे हैं और अगली मूवमेंट क्या होगी विद इन द सिस्टम पाकिस्तान के अंदर, जो दहशतगर्दी दोबारा से उमड़ के सामने आने लगी है, ये किस नहज पे पहुंचेगी, आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की इकोनॉमी के क्या हालात होंगे,
और ये अगले 6-8 महीने क्यों बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।